एकवारं अद्यतन अस्यां कार्यशालायां द्वादशे सत्रे अद्यतन तृतीये सत्रे अहं भूयो भूयः स्वागती करोमि अस्माकं मार्गदर्शकानां श्रीमतां स्वामिनां चिदानंद महाशयानां। वयं ह्यः स्वामिनां उद्बोधनेन सुतराम् आप्लाविताः अभवाम। अद्य पुनः विदुरनीतौ प्रबन्धनम् इति विषयम् आश्रित्य स्वामिनः अस्माकं पुरस्तात् सम्प्राप्ताः वर्तन्ते। तेषां प्रत्येकं पदे गाम्भीर्यं भवति इति अस्माभिः ह्यः पूर्वदिनेषु पूर्वकार्यशालासु चावलोकितमस्ति। ते अनुभवानुबलेन अस्मान् सम्बोधयन्ति। अस्मिन् अवसरे अहम् अस्मद् विश्वविद्यालयपक्षतः अस्माकं केन्द्रपक्षतः पुनः एकवारं स्वामिनां स्वागतम् अभिनन्दनं वन्दनं च कुर्मः। स्वामिनः निवेदयामः ते अस्मिन् अवसरे अस्माकं समेषां मार्गदर्शनम् उद्बोधनं च कुर्वन्तु इति। पूज्याः स्वामिनः। सर्वेभ्यः नमः। सहर्षं पुनरपि अहं विदुरनीतिम् उद्दिश्य तत्रापि प्रबन्धव्यवस्थायां किञ्चित् वक्तुं प्रयत्नं करोमि। मुझे बहुत खुशी होती है कि आप सबके सामने, जो खुद ही काफी सुशिक्षित हैं और काफी जानते हैं, और शिक्षक होकर अलग अलग विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में आप छात्रों को पढ़ा रहे हैं, तो आपके बीच इस विषय पर कुछ बोलने का ये मौका, ये मुझे अवसर प्राप्त हुआ है, उसके लिए मैं फिर से अमिता जी और दूसरे आयोजकों को धन्यवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज वैसे विदुर नीति के विषय में मैं जिंदगी में ही पहली बार बोल रहा हूँ। बहुत समय से हम सुनते आए हैं, यहाँ वहाँ एक श्लोक देखे हैं, किंतु इस संदर्भ में इस सारे ग्रंथ को थोड़ा कुछ अध्ययन करके मुझे ये अनुभव हुआ कि मैंने जो सोचा था उससे 100 गुना ज्यादा ये विदुर नीति महत्वपूर्ण है और हम सबको लाभदायक जरूर है। तो विदुर नीति, आप में से अधिकांश लोग जानते हैं विदुर कौन थे और ये विदुर नीति किस और किसके बीच संवाद था वगैरह। फिर भी कुछ 4-5 लोग शायद नहीं जानते होंगे, उनके लाभ के लिए पहले मैं कहूंगा कि महाभारत में एक उद्योग पर्व है। आप जानते हैं महाभारत में 18 पर्व हैं, जैसे रामायण में 6 या 7 कांड है, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड वगैरह। यहाँ पर महाभारत में 18 पर्व है और उनके अंदर अध्याय, श्लोक संख्या वगैरह होते हैं। महाभारत 100,000 मतलब 1,00,000 श्लोकों का एक ग्रंथ है, उतनी बड़ी एक कृति है। इस उद्योग पर्व 5वां पर्व है 18 के बीच, और उद्योग पर्व में सन्निवेश क्या है, संदर्भ क्या है, हमें देखना है। उद्योग पर्व में धृतराष्ट्र अपने पुत्र मोह के कारण अब आशा करते बैठते हैं कि पांडव ऐसे ही हट जाएंगे, उनको हम कुछ भी नहीं देने पर वो निराश होकर शायद कहीं चले जाएंगे, इस प्रकार वो सोचते बैठा था। लेकिन परिस्थिति ऐसी हो जाती है, भगवान श्री कृष्ण खुद भी दूत होकर, दूत के रूप में कुछ बातचीत करते हैं, और बहुत सारे कोशिश के बाद ये निकलता है कि अब युधिष्ठिर अंतिम निर्णय बोलने वाले हैं, और संभावना है कि युधिष्ठिर युद्ध युद्ध घोषित करेंगे। अभी घोषित हुआ नहीं, लेकिन इतना होने पर ही धृतराष्ट्र की पूरे के पूरी शांति उड़ जाती है, वो बहुत अशांत हो जाता है।
उसको रात को नींद नहीं आती है। धृतराष्ट्र इतना चिंतित हो जाता है और ये जो रात भर नींद नहीं आते हुए वो इधर से उधर, उधर से इधर चलते रहता है। देखिए उद्योग पर्व में इस भाग को विशेष करके प्रजागर पर्व बोलते हैं। प्रजागर शब्द का क्या अर्थ है, प्र हटा दीजिए आपको मिलता है जागर। जागर मतलब जगे रहना। परेशानी के कारण, डर के कारण, चिंता के कारण धृतराष्ट्र सारे रात जगे रहता है, उसको नींद ही नहीं आती है। फिर वो विदुर को बुलाते हैं। आप जैसे जानते हैं विदुर, धृतराष्ट्र और पांडु तीनों एक ही पिता के पुत्र हैं। व्यास ऋषि के दिव्यांश से ये तीनों पैदा हुए। यद्यपि विचित्रवीर के पुत्र माने जाते हैं, वहां पर अंबिका, अंबालिका और एक दासी के गर्भ से ये तीन निकले थे। तो विदुर दासी पुत्र होकर भी बहुत ही प्राज्ञ है, बहुत ही पंडित है, मेधावी है, और धृतराष्ट्र और पांडु उतने महान नहीं थे। धृतराष्ट्र की तो बात छोड़िए, वो बहुत ही मोह माया में फंसा हुआ था। तो विदुर को हम इस तरह जानते हैं कि वो दासी पुत्र था, उसके पिता उस तरह से वेद व्यास ही थे, लेकिन अन्यथा समझा जा सकता है, हम समझते हैं कि विचित्र वीर राजा। ठीक है, तो विदुर को धृतराष्ट्र जब बुलाते हैं और खुले खुले कह देते हैं कि मेरे को शांति ही नहीं है, पता नहीं क्या ये युधिष्ठिर करने वाला है, उसकी घोषणा क्या होने वाली है, वो क्या लड़ाई के लिए आ जाएगा या ऐसे ही चले जाएगा, आइदर वे, दिस वे और दैट वे, मेरे को शांति नहीं है। यदि युधिष्ठिर और दूसरे पांडव चले जाते तब भी धृतराष्ट्र बहुत दुखी हो जाता, क्योंकि अपराधी मनोभाव उसको आक्रांत कर देगा। इस तरह परिस्थिति होती है और फिर विदुर धृतराष्ट्र को अपनी मन की बात बोल देता है और धृतराष्ट्र की रिक्वेस्ट के अनुसार विदुर बहुत कुछ ये राज्यभार कैसे करना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, लीडरशिप कैसे होने चाहिए, ये सब बताते हैं। और इसको इस उद्योग पर्व में, जिसको प्रजागर पर्व भी कहते हैं, इसमें 8 अध्यायों में विदुर नीति दी गई है। इन 8 अध्यायों में पहला अध्याय बहुत बड़ा है, 128 श्लोक, और कोई कोई सिर्फ 32 या 46 वगैरह है। तो सब मिलाकर इस विदुर नीति नामक कृति में 592 श्लोक है। 592 श्लोकास मेक दिस वंडरफुल बुक ऑफ गाइडेंस टू मैनेजमेंट, टू लीडरशिप, एंड ये सब हरेक को अपने जीवन को संभालने में बहुत ही सहायक होते हैं। तो इसमें बहुत तरह तरह के विचार आते हैं। एक जगह कहा गया है कि धर्मशास्त्र जो होता है उसका पर्याय पद हो सकता है कर्तव्य शास्त्र। धर्म और कुछ नहीं है घूम फिर के, धर्म वही है जो हमें अपना कर्तव्य स्पष्ट रूप से बता दे, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो यहाँ पर पहले जो अध्याय है 33वां अध्याय उद्योग पर्व में, हमने अभी कहा कि 8 अध्यायों में विदुर नीति आती है और वो 8 कौन से हैं, 33वें अध्याय से 40वें अध्याय तक, 33rd चैप्टर
to 40th chapter, these 8 chapters are Vidur Niti. So here onward, मैं सिर्फ फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर कहते जाऊंगा. जब मैं फर्स्ट चैप्टर कहता हूं, आप कृपया समझिए कि मैं 33वां चैप्टर को ही रेफर कर रहा हूं. इन द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ द 8, विदुर जी कौन बुद्धिमान है और कौन मूर्ख है, पंडित कहा मूर्खश्च कहा, इस विषय पर बहुत कुछ बोलते हैं. पंडित के बारे में, ज्ञानी या बुद्धिमान के बारे में करीबन 15 और 15 से अधिक श्लोक हैं, और मूर्ख के बारे में 10 श्लोक ओपनली एक्सप्लिसिटली हैं और 2-3 इनडायरेक्टली भी हैं. तो उसके अलावा बहुत सारे अच्छे वंश के क्या लक्षण होते हैं. जहां हम वंश की बात करते हैं, आप लोग प्रबंध शास्त्र या लीडरशिप के संदर्भ में यू कैन थिंक ऑफ इट एज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड इंस्टीट्यूशन. लीव फैमिली बिहाइंड, लीव कुल, कुल या वंश को छोड़ दीजिए. आजकल के जमाने में व्हाट आर द मार्क्स ऑफ ए गुड ऑर्गेनाइजेशन, ए गुड इंस्टीट्यूशन, ए गुड यूनिवर्सिटी, इस प्रकार सोचा जा सकता है. और तरह तरह के बड़ों को कैसे आदर दिखाना है, बड़ों को किस प्रकार संभालना है या उनका योगक्षेम देखना है, इस प्रकार यदि हम कोई भी पक्षपात करते हैं, व्हाट यू कॉल पार्शियलिटी, तो उससे क्या होनी हो, क्या हानि हो सकती है. और विद्यार्थी कैसे रहें, और सबसे बढ़कर आज के हमारे विषय से संबंधित रूप से लीडर्स एंड मैनेजर्स, नेता और प्रबंधक लोग कैसे रहें, इन सब पर बहुत प्रकाश डालते चलते हैं ये विदुर जी. मैनेजमेंट इन विदुर नीति. तो जैसे हमने कहा, धृतराष्ट्र बहुत चिंतित है और सुबह सुबह वो विदुर जी को बुलाते हैं. विदुर जी आकर बैठते हैं और महाभारत के उद्योग पर्व, उसके अंदर प्रजागर पर्व में एक और बार, प्रजागर का अर्थ है जागर, जगे रहना, नींद नहीं आनी. तो उसमें 592 श्लोक और 8 अध्यायों के अंतर्गत ये विदुर नीति दी गई है. बहुत सारे प्रकाशकों ने इन पर किताबें यूज की है. मैंने आज ये व्याख्यान देने के लिए अंग्रेजी अनुवाद के साथ जो एक चौकम्बास है, चौकम्बास है जो प्रकाशित हुआ है, विदुर नीति बाय श्री वी एस बिष्ट, इसका इस्तेमाल मैंने किया हूं. तो आप ये समझिए, धृतराष्ट्र के जगह पर आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूं. कब, यदि हम अच्छा प्रबंध नहीं करते, टू यूज एन इंग्लिश स्लैंग एक्सप्रेशन, इफ वी मेस अप अवर इंस्टीट्यूशन, इफ वी मेस अप अवर ऑर्गेनाइजेशन, देयर इज द स्लैंग एक्सप्रेशन मेसिंग अप. यू मेस अप योर, यू नो, मैनेजमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन और इवन पर्सनल मैनेजमेंट, देन वी विल बी इन धृतराष्ट्र's पोजिशन. फर्स्ट वी एंजॉय, बट लेटर ऑन when we have to listen to the music, we will be so restless. Din raat hum chintit rahenge. Us samay vidur jaise koi hame acha raah dikhaye, to hum bhagyavan honge. To ye sandarbh hua, to main pehle yahi kehta hu, pehle adhyay mein jo one last time in the original udyog parva, it is the 33rd chapter, but considering 1-8 of Vidur Niti, in the very first chapter, you have the 10th shloka where Dhritarashtra kabul karte hain, swikar karte hain, he accepts, admits and confesses that tanme dahati gatrani tadakarshit prajagaram. Ye prajagar parva ka naam is shlok mein bahar nikalta hai. Tanme, tat means here, युधिष्ठिर क्या करने जाएगा, क्या करेगा, अब युद्ध घोषित करेगा या वापस हटेगा या और कुछ होगा. तत्
दैट पॉसिबिलिटी, तरह तरह की संभावनाएं मेरे मन में उठ रही हैं और दहति गात्राणी, मेरे को जला दे रहे हैं ये सब। पूरा श्लोक ऐसा है, तस्याद्य कुरु वीरस्य न विज्ञातम वचो यथा वचो मया तन्मे दहति गात्राणि तदकार्षीत प्रजागरम। ये चिंता ने मेरी नींद उड़ा दिया है। और एक और श्लोक उदाहरण करने योग्य है, जाग्रतो दह्यमानस्य श्रेयो यदनुपश्यसि तद्ब्रूहि त्वं हि नस्तात धर्मार्थ कुशलो ह्यसि। धृतराष्ट्र को वृद्ध राजा विदुर को इस प्रकार कॉम्प्लीमेंट्स देता है, तारीफ करता है, तुम धर्म अर्थ के कुशल हो, धर्मार्थ कुशल हो ऐसी। वेरी नेक्स्ट श्लोक इट इज सेड, प्लीज टेल मी, जाग्रतो दह्यमानस्य, यद्यपि मैं जगा हूं, मुझे इतना असुविधा हो रही है ये मानसिक चिंता से, तो मैंने यहाँ धृतराष्ट्र का तस्वीर नहीं दिखाया। एक लेडी एग्जीक्यूटिव हो सकती है, एक मैन मैनेजर हो सकता है, और एक और बार हम में से कोई भी हो सकते हैं। जब हम जिम्मेदारी के द्वारा काम नहीं करते हैं तो धृतराष्ट्र के पोजीशन प्लेस में आ जाते हैं। तो अब एक एक करके कुछ एग्जाम्पल्स हम ले लेंगे। हम सीधा आठवें अध्याय में जा रहे हैं, बाद में वापस आएंगे। आठवें अध्याय में काफी कुछ विद्यार्थी कैसे होने चाहिए या कैसे नहीं होने चाहिए ये बता दिया है। आप सब शिक्षक हैं, मैं भी एक शिक्षक हूँ अपने ही ढंग से, और शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में विद्यार्थियों का और शिक्षकों का भी जो भूमिका होती है, जो उनका वर्णन होता है, ये हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण है। हमने एक श्लोक यहाँ स्लाइड में दिखाया है, इसमें कहा गया है कि जैसे देखिए आखिरी पंक्ति में, विद्यायाः शत्रवः त्रयः। यद्यपि त्रयः तीन कहा है, वाकई में इस श्लोक में पांच चीजें बताई गई हैं। तीन इसलिए कहा क्योंकि तीसरी पंक्ति में तीन है, अशुश्रूषा त्वरा श्लाघा। अशुश्रूषा, शुश्रूषा means serving teachers, serving elders, गुरुजनों की या बुजुर्ग लोगों की, शिक्षकों की सेवा करना, माता पितरों की सेवा करना। यदि जवानी के उम्र में यदि एक लड़का या लड़की ये सब नहीं करते हैं तो even if they study the subjects well down the road in their life, they will not succeed, for whatever they achieve will slowly start decaying. In addition to ashushrusha, बड़ों का अनादर, यदि कोई हमेशा जल्दी में है, त्वरा, वो जल्दी, always being in haste, is not good for a student. श्लाघा, अपने ही प्रशंसा करना, अपने को ही हमेशा बड़ा दिखाना, वो उस उम्र में निश्चित रूप से बाकी समय से ज्यादा खतरनाक होता है। और पहले पूर्वार्ध में इस श्लोक में कहा, असूया एक पदम मृत्यु। यदि छात्र दूसरे छात्र को देखकर जलन अनुभव करता है, असूया का एक डेफिनेशन है संस्कृत में, गुणेशु दोष दर्शनम, कोई दूसरा छात्र अच्छा पढ़ रहा है या अच्छा खेल रहा है या कुछ अच्छा कर रहा है, जो अच्छी बात है, लेकिन उसमें उस अच्छाई को नहीं देखते हुए उस लड़के में या उस लड़की में बुरा क्या है देखना और उसको ही बड़ा करना, दैट इज कॉल्ड जलसी, दैट इज कॉल्ड एनवी। एंड दिस श्लोक वेरी स्ट्रांगली सेज, असूया एक पदम मृत्यु,
वो हमको मरवा देगा, वो हमारे मृत्यु समान है। और अतिवाद किसी मामले में बहुत बोलते रहना, बहुत स्टॉप नहीं करना, टू मच बीइंग टू टॉकेटिव, स्टूडेंट्स हैव टू कंजर्व देयर एनर्जी, उनकी ऊर्जा को वो रक्षणा करने की जरूरत है, उसको खो देना, वो बोलते रहना, गॉसिप करते रहना, यहाँ वहां बैठ के दोस्तों के साथ लगातार फॉर अवर्स एंड अवर्स चैटिंग, गॉसिपिंग, टॉकिंग अबाउट अननेसेसरी थिंग्स, अतिवाद श्रियः वदः। तो छात्र या छात्रा के अंदर जो भी संपत्ति हो, श्री ही, जो भी धन हो, मतलब विद्या धन, उसका वध हो जाता है। तो इस प्रकार बहुत ही चेतावनी, वार्निंग देते हैं विदुर और धृतराष्ट्र, सुन रहे हैं। इसके तुरंत अगला श्लोक, आठवें अध्याय में पांचवा श्लोक, मैं पढ़ के ये दो मिनट में कुछ बताऊंगा। वहां पर सात, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 डिफेक्ट्स, 7 दोष विद्यार्थी के बताए गए हैं। आलस्यम मदमोहौ च चापलम गोष्ठिरेव च स्तब्धता च अभिमानित्वम तथा त्यागित्वमेव च एते वै सप्त दोषाः स्युः सदा विद्यार्थिनां मताः। तो एक दो श्लोक हमने बताए, आलस्य हो, मद हो, अपने बारे में बड़प्पन के भावना, और मोह, किसी छोटी सी चीज को बहुत कीमत देते हुए उसी उसके पीछे ही चलना मोह कहलाता है। चापलम, रेस्टलेसनेस, गोष्ठी, ऑलवेज गेटिंग टुगेदर एंड गॉसिपिंग, स्तब्धता, बीइंग डम, बीइंग डल व्हेन रिक्वायर्ड, नॉट कमिंग फोर्थ, नॉट बीइंग एक्सप्रेसिव, अभिमानित्वम, त्यागित्वम, गोइंग अवे, व्हेन अ क्लास इज रनिंग दे गो टू सम अदर प्लेस, when there is some valuable discussion with teachers, this fellow or this girl says, I'm not in mood, I'm not joining this discussion. Tyagitva in that sense. Therefore, in this way, and in many more shlokas, in the 8th chapter, chatra kaise hone chahiye, ya kis prakar ke dosh chatro mein nahi hona chahiye, ye bataye hain. Ab seedha hum aayenge management mein. Call it manager or call it leader. It may be a lady, it may be a man, doesn't matter. But when somebody has all these responsibilities, as I said, 8 adhyayon mein, pehle adhyay mein wapas lautte hain, wahan 15 se adhik shlokon mein acche prabandhak ya neta ka varnan hai. Usme bahut prasiddh shlok ye hai. In fact, you will be amused to know, जो किताब मैं यूज कर रहा हूं उसमें कुछ प्रिंट मिस्टेक के कारण एक शब्द ही नहीं था इसमें। जो तीसरी पंक्ति में श्रद्धा इति है, जो है वो शब्द गायब था इसमें। फिर मैं मुझे तुरंत गूगल में मिला, इंटरनेट में। उसका अर्थ ये है कि काफी कुछ श्लोक इस विदुर नीति के इतने मशहूर है, इतने प्रसिद्ध है, तो इंटरनेट वगैरह में आप पहले दो शब्द डाल दो, पूरा श्लोक आपको मिल जाता है। तो अच्छे प्रबंधक या नेता के बारे में क्या कहा है इसमें, पहले अध्याय के 21वें श्लोक में, निशेवते प्रशस्तानि निंदितानि न सेवते अनास्तिकः श्रद्धाधानः एतत् पंडित लक्षणम्। आप सब जानते हैं एक क्रियापद सेवते, सेवते ही नी उपसर्ग डालने पर निशेवते बनता है। प्रशस्त कर्म को, जो कर्म अच्छे हैं, अच्छा कर्म क्या होता है, लोगों का उपकार हो, लोग उसको पसंद करें, और धर्माद अनपेतम, जो धर्म का विरुद्ध न हो। यदि हमारे अंदर कुछ कामना आती है, उसको परीक्षा इस तरह हमें करना चाहिए, ये जो कामना धर्म का विरुद्ध तो नहीं है। श्री कृष्ण भगवद गीता में 7वें अध्याय में बहुत सुंदर प्रकार से कहा, धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ,
मैं काम हूं। यद्यपि आध्यात्मिक शास्त्रों में बहुत अन्य जगह काम क्रोध के खंडन होता है, लेकिन उस श्लोक में गीता में श्री कृष्ण कहते हैं मैं काम हूं, मैं कामना हूं, लेकिन देयर इज एन एडजेक्टिव, धर्म अविरुद्ध, धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोस्मि परतर्षभ। तो विद्वान या मेधावी प्रबंधक का मुख्य लक्षण है एवरी डे, डे आफ्टर डे ही इज एंगेज्ड इन डूइंग व्हाट इज प्रेजवर्दी टू हिज ओन हार्ट। इट शुड बी एक्सेप्टेबल, इट शुड बी स्वीकार्य अन्य लोगों को भी। और निंदितानि, यदि कोई काम निंदा का योग्य हो, न सेवते, he carefully avoids। तो वो बहुत ही विवेकी होता है। अनास्तिक, वो नास्तिक नहीं। तो नास्तिक सामान्य रूप से ईश्वर में श्रद्धा जिसकी ना हो वो नास्तिक कहलाता है, लेकिन दर्शन शास्त्रों में कभी कभी वेदों में जिनकी जिनका विश्वास नहीं है वो भी नास्तिक कहलाता है। उसीलिए बौद्ध धर्म और जैन धर्म और बहुत सारे अन्य धर्म भी नास्तिक दर्शन कहलाते हैं, क्योंकि वो एक और ईश्वर को नहीं मानते हैं, दूसरी ओर वो वेदों को भी नहीं मानते हैं। देयर आर टू क्राइटेरिया व्हिच एवर यू टेक। लेकिन मैं इस संदर्भ कुछ कहना चाहूंगा कि नास्तिक शब्द का जिसका अर्थ है विश्वासहीन, उसका अर्थ ये भी है अपनी संस्था में जिसकी श्रद्धा न हो, अपने संस्था के ओर, अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्रति। यदि somebody has negative feelings, oh, what kind of college am I working for? My God, why am I in this university? Why am I in this company? इस संस्था में, इस कंपनी में क्यों मैं आया? इस प्रकार यदि कंपनी, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, परिवार, इस प्रकार उन सब की ओर यदि हमारा विश्वास नहीं है, then how can we be good leaders? We will have negative thoughts. Therefore it is said, anastikaha, a good leader believes in his organization, believes in his institution. श्रद्धाधान, उसकी बहुत श्रद्धा होती है। ये तत् पंडित लक्षणम। और इसके साथ साथ और बहुत श्लोकों में बहुत अच्छे कहे गए हैं उनके गुण। जैसे इमीडिएट नेक्स्ट वन 22वें श्लोक में रोदो हर्षश्च दर्पश्च ह्रीः स्तंभो मान्यमानिता यमर्थान् नापकर्षति स वै पंडित उच्यते। जिसमें ऑल दिस नेगेटिव क्वालिटीज आर नॉट सीन, क्रोध, डिस्ट्रक्टिव एंगर और हर्ष, ईगोइस्टिक एलेशन। अन्यथा हर्ष बुरी बात नहीं है, हर्ष अच्छी बात है, लेकिन यहाँ संदर्भ के अनुसार इफ समबडी इज हैप्पी एट हिज ओन सक्सेस, माय फेम, आई एम इन लाइमलाइट, इस प्रकार यदि कोई हर्षित हो जाता है तो वो अच्छी बात नहीं है। तो नेगेटिव क्वालिटीज जो अट्रैक्ट करते हैं, या नेगेटिव क्वालिटीज जिसको अट्रैक्ट करते हैं, वो बुरा मैनेजर है, इज ए पुअर मैनेजर, ए पुअर लीडर। सो क्वालिटीज ऑफ लीडर्स आर डिस्क्राइब्ड एट ग्रेट लेंथ इन नॉट ओनली इन द फर्स्ट चैप्टर, कई अन्य अध्यायों में भी ये विषय आता है। उसके बाद हम देखते हैं whenever we are leaders, please note, नेता जब होते हैं वो एक आदमी का काम नहीं है, काफी लोग मिलकर साथ करने की जरूरत है, तब भी लीडिंग के मतलब है। सो whenever there आर मेनी पीपल ऑन मेनी levels, वर्टिकली एंड horizontally, मेनी पीपल, लार्जर द इंस्टीट्यूशन, larger is the number of people, stakeholders involved, then the issue of vishwas, whom to trust, whom not to trust, kis par vishwas kare, kis par vishwas na kare, ye sawal avashya aata hai।
तो उस संदर्भ में ये कहा गया, एक यहाँ भी काफी श्लोक है लेकिन हम एक श्लोक को विशेष करके उठा के बता रहे हैं। इसमें कहा है न विश्वसे अविश्वस्ते, विश्वस्ते न अति विश्वसे, विश्वासात भयमुत्पन्नम मूलान्यपि निकृंतति। बहुत परखे, वी मस्ट चेक आउट, वी मस्ट एग्जामिन, और कभी कभी उसके लिए कुछ दूसरों से इंटेलिजेंस, दूसरों से इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट करना पड़ता है। लीडरशिप मैनेजमेंट वेदर यू लाइक इट और नॉट विल इन्वॉल्व सम सीआईडी वर्क, स्पाइंग वर्क, आपके कुछ गुड़चर भी, गुड़चार बोलते हैं ना, गुड़चर, स्पाइस, सीक्रेट एजेंट्स, वो भी जरूरी पड़ेंगे आपको, और उनके द्वारा वो आदमी कैसा है, आपने क्या देखा उनमें, ठीक काम करता है क्या, क्या संस्था के खिलाफ कभी कभी बात करता है, इस प्रकार, नॉट आउट ऑफ आइडल क्यूरियोसिटी। बुरा नेता ऐसा होता है, वो सबके बारे में कुछ गलत सुनना चाहता है, वो तो अच्छी बात नहीं है। अच्छा नेता कुछ चाहता नहीं लेकिन वस्तु स्थिति को जानना चाहता है। हाउ इज अ पर्टिकुलर एम्प्लॉई, हाउ इज अ पर्टिकुलर ऑफिसर, विद नो प्रायर कंक्लूजन। मेरे अंदर अभी कोई ओपिनियन है नहीं, मैं जानना चाहता हूं जैसा वो है। वो यदि अच्छा है खुशी की बात है, यदि वो अच्छा नहीं है तो कुछ करना होगा। तो इस परीक्षा से पता चलता है कौन विश्वसनीय है। अविश्वस्ते, जो विश्वसनीय नहीं है उसमें विश्वास नहीं करना चाहिए। वो हमारे रिलेटिव होगा, क्या बोलते हैं, साला होगा, जीजा होगा, चाचा होगा, भतीजा होगा, या एक ही कॉलेज में हम पढ़े होंगे, वो अपना हमारे 2 साल जूनियर था शायद, वो 15 साल से हमारे मित्र होगा, वो सब कुछ मायने नहीं रखते हैं। इज ही ट्रस्टवर्दी, इफ ही इज नॉट अविश्वस्ते न विश्वसेत। डोंट बी टू सॉफ्ट इन योर इमोशंस, संकोच न हो, कोई हिचक जिचक न हो। यदि वो विश्वास के योग्य नहीं है तो जल्दी ही उसको विदा कर देना चाहिए। और एक और बात अजीब कहते हैं दूसरी पंक्ति में, यदि कोई विश्वसनीय है अच्छी बात है, लेकिन उस पर भी जितना चाहिए उससे अधिक विश्वास नहीं करना चाहिए। ये देखिए, विदुर इज वेरी प्रैक्टिकल, ही इज नॉट गुडी गुडी स्टफ। डोंट थिंक दैट दिस विदुर नीति इज ऑल, यू नो व्हाट इज दैट पुराना गीत था ना, ना सुन 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 बुरा, ना बोल 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 बुरा, ना देख 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 बुरा, कुछ बुरा देखो मत, कुछ बुरा सुनो मत, कुछ बुरा बोलो मत, हमेशा अच्छी बातें कहते बैठो, उससे प्रबंध नहीं चलेगा। विदुर तो ही कॉल्स ए स्पेड ए स्पेड, इफ समबडी इज ट्रस्टवर्दी देन ऑल्सो डोंट ओवर ट्रस्ट हिम। इस पर हमारे यहाँ एक टीकाकार लिखते हैं, तो बिष्ट साहेब, और वो और किसी ग्रंथ से एक कोटेशन देते हैं, कदाचित कुपितम मित्रम सर्वम गुह्यम प्रकाशयेत। कभी कभी हम किसी पर विश्वास करते हैं लेकिन उसके बाद किसी दिन वो कुपित हो जाता है, किसी कारण से हमारे प्रति गुस्सा करता है। वो कुपित मित्र जो गुस्से के वश में आ गया है ना, हमारा अच्छा दोस्त होगा वो, लेकिन वो जब क्रोध के वश में आ जाता है किसी दूसरे दिन, वो हमारे सारे सीक्रेट्स सर्वम गुह्यम प्रकाशयेत। उस दिन, अगला दिन वो शायद पछताएगा, ओहो हो हो, मुझे इनके सारे रहस्य वहां नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन बोल चुका है। इसीलिए यदि कोई विश्वसनीय वो हो, आप ज्यादा इमोशनल होकर के उनको पूरे सीक्रेट्स, पूरे
इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहिए। विश्वासात भयम उत्पन्नम मूलानि अपि निकृन्तति। यदि उसमें कुछ गलत हो जाता है तो सब जगह भय डर फैलता है, और जिस बहुत अच्छे मूल से, बहुत अच्छे इनिशियल इन्वेस्टमेंट से आपने कुछ शुरू किया होगा वो सब निकृन्तति, ऑल दैट विल बी डिस्ट्रॉयड। दस विश्वास के बारे में ये ऐसे कह दिया, और मनुष्य संबंधों के बारे में, रिश्ताओं के बारे में विदुर बहुत कुछ कहते हैं। एंड व्हाट इज मैनेजमेंट अदर देन मैनेजिंग रिलेशनशिप्स, कस्टमर रिलेशनशिप्स, एम्प्लॉयर एम्प्लॉयी रिलेशनशिप, रिलेशनशिप विद इन्वेस्टर्स। कभी कभी हमको पूंजी कैपिटल कोई और देते हैं, एंड रिलेशनशिप विद गवर्नमेंट, रिलेशनशिप विद नेबरहुड। मैं कई साल किसी न किसी आध्यात्मिक आश्रम में रहा और हमने देखा कि आश्रम को भी आसपास के लोगों के साथ अच्छा रिश्ता रखना जरूरी पड़ता है। आज मैं आपको संबोधित कर रहा हूँ एक आश्रम के प्रांगण से, बेंगलोर में एक सुवर्णमुखी संस्कृति धाम नाम से आश्रम है, वहां बैठकर मैं ये ऑनलाइन क्लास कर रहा हूँ, और यहाँ भी ये छह साल से है ये आश्रम, और यहाँ भी मैं सुनता हूँ कि बहुत सारी चुनौतियां आ जाती है आश्रम के निर्माण के समय में ही, फिर उसको चलाते समय हमेशा पड़ोस लोग आते हैं, देखते हैं क्या चल रहा है इधर, और मनुष्य का स्वभाव है कि हर कोई सोचता है यहाँ हमें क्या मिल सकता है, यदि हमको कुछ भी नहीं मिलता है तो आदमी को गुस्सा भी आ जाता है, ये मनुष्य स्वभाव है। तो रिश्ता ही प्रबंध शास्त्र के बहुत ही महत्वपूर्ण अंश है, और विदुर नीति में हमें काफी कुछ रिश्तों के बारे में एक्सक्यूज माई हिंदी हियर एंड देयर, व्याकरण दोष थोड़ा सा आ जाएगा, तो ये हमें देखना होगा। फिर एनी एडमिनिस्ट्रेशन, यू नो, गवर्नमेंट इम्पोजेस टैक्स, कर बोलते हैं ना, सो दे इम्पोज टैक्स। आई थिंक अनदर वर्ड इन हिंदी फॉर दैट इज लगान। हम सब ने आमिर खान का मूवी भी देखा, कुछ लगान, बट लेट मी यूज द वर्ड कर, कर व्यवस्था। एडवाइस ऑन टैक्सेशन इन द सेकेंड चैप्टर ऑफ द 8 वी हैव अ वेरी नाइस श्लोका, एंड आई एम कोटिंग दिस फॉर एक्चुअली टू रीजंस। एक तो हर मैनेजमेंट में एक और हम एम्प्लॉयज को तनख्वाह वगैरह देते हैं, दूसरी ओर उनसे कुछ हम लेते भी, वी टैक्स देम, वी कट समथिंग, वी मेक देम पे टू द इंस्टीट्यूशन समथिंग इन वेरियस वेज। इन द केस ऑफ गवर्नमेंट इट इज कॉल्ड इनकम टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स और व्हाट यू कॉल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, आजकल जीएसटी का बहुत यू नो लॉट ऑफ चर्चा टेक्स प्लेस। सो इफ वी आर नॉट द गवर्नमेंट, वी टू टेल अवर एम्प्लॉयज in various ways, in cash or kind, they have to sometimes contribute certain things. So, एक तो वो है किस तरह करना चाहिए, दूसरा विदुर नीति में कई जगह कि ये श्लोक आपके सामने पेश करने के एक दूसरा कारण है, ये अलंकार जो जिसको कहे हम इंग्लिश में इसको simile, metaphor, oxymoron, hyperbole, there are so many अलंकार, जिन्होंने अलंकार शास्त्र पढ़ा है या साहित्य में, इन लिटरेचर दे हैव इवन पेड अटेंशन टू हाउ पोएम्स, हाउ वर्सेस, स्टैंजास आर मेड, दे विल अंडरस्टैंड। और यहाँ एक बहुत बढ़िया दृष्टांत है, तो उस कारण से भी हमने ये श्लोक को चुना। क्या कह रहे हैं इधर, अबाउट टैक्सेशन, यथा मधु समादत्ते रक्षन पुष्पाणि षट्पदः तद्वद् अर्थान् मनुष्येभ्यः आददात्
अविहिंसया। बहुत सुंदर दृष्टांत है ये षटपद भवरा। भवरा आकर एक फूल में, एक फूल के ऊपर, दूसरे फूल के ऊपर, तीसरे फूल के ऊपर बैठता है और सिर्फ वहां के मधु, वहां के अंदर के वो मकरंद को ले लेता है और इतने सारे फूलों पर उतर के मकरंद को लेते लेते इवन as the bees drink the nectar from all those flowers, they don't damage any flower. Pushpani rakshan, see the second line. Rakshan means without damaging. उसको कोई ग्लानि, कोई हानि किसी प्रकार का नाश नहीं होते हुए, नहीं करते हुए सिर्फ मकरंद को वो षटपद, वो भौरा, वो कीट ले लेता है। उस प्रकार ए गुड मैनेजर, ए गुड लीडर शुड टैक्स, अदरवाइज हाउ विल हिज वर्क गो ऑन। अर्थान मनुष्येभ्यः आदधात् अविहिंसया, हिंसा के बिना, विहिंसा के बिना। इनफैक्ट इफ यू एक्सटेंड दिस इन लाइफ, नन ऑफ अस कैन लिव विदाउट टेकिंग समथिंग फ्रॉम अदर्स। जीवो जीवेन जीवति वो भी कहा जाता है इन अनदर कॉन्टेक्स्ट, दैट इज इन सपोर्ट ऑफ इवन मीट ईटिंग एंड सो ऑन, बट लेट अस लीव दैट असाइड। बट जीवो जीवेन जीवति, हम सब अपने जिंदगी के लिए दूसरों से कुछ ना कुछ लेते हैं और दूसरों को हम देते भी हैं। जीवन लेना और देना दोनों मिलकर ही होता है, लेकिन इस श्लोक में बहुत सुंदर प्रकार से विदुर जी धृतराष्ट्र को संबोधित करते हुए कहते हैं अविहिंसया, take from people without hurting them and give them also is implied. In the very next shloka, second chapter, 18th shloka, Vidur says, Pushpam pushpam vichinvita moola chedam nakarayet malakara ivarame nayathangara karakaha. फिर से दो दृष्टांत दिए हैं। मालाकार इव आरामी, कुछ पुष्प माला बनाने के लिए आकर फूल ले लेते हैं लोग, वो पौधे को ही नष्ट नहीं करते हैं। उस तरह हमें करना चाहिए, हमें माला बनाना है तो सिर्फ फूल ले लो और डोंट डिस्ट्रॉय दैट प्लांट, दैट ट्री इटसेल्फ। और the opposite example is given, na yatha angarakaraka, when people dig mines, coal mines, then there is lot of destruction of the whole, you know, ground. That whole ground is dug up and it loses its quality, its sattva, us jameen ka sattva usme chala jata hai. तो उस तरह हमें नहीं करना चाहिए, किंतु मालाकार की तरह सिर्फ फूल लेते हुए लेकिन पौधों को कोई हानि नहीं पहुंचाते हुए, या भौरों की तरह सिर्फ मकरंद लेते हुए और फूलों को कुछ हानि नहीं पहुंचाते हुए इस तरह करना चाहिए, कहते हैं विदुर। और हमें ये मानना पड़ेगा जैसे ही कहीं कुछ कहानी हो, कुछ उपाख्यान हो, कुछ दृष्टांत हो, कुछ मेटाफोर रूपक हो, देन दैट होल टीचिंग गोज डीपर इनटू अस। इट आल्सो एक्ट्स एज ए मेमोरी एड, हम लंबे समय के लिए उसको याद करते हैं। उसीलिए हम अपने पावर पॉइंट में भी छोटे छोटे तस्वीर लगा देते हैं, क्योंकि कहानियों के अलावा, दृष्टांत के अलावा, कविता के अलावा कुछ तस्वीर हो, देयर इज ए सेइंग इन इंग्लिश, ए पिक्चर स्पीक्स thousands of words. Therefore, simple pictures, thanks to Google and all the internet sources these days, we share with our audiences.
In the next shloka, another important point, leaders have so many things to do. Their table is full, their hands are full. 24 ghante unke liye paryapt nahi hai. To kis tarah priorities, adhyata, shayad usko prathamikta kehte hai, how to decide priorities, what to let go and what to hold on to. इसमें कहा है पांचवे अध्याय में 17वें श्लोक में त्यजेत कुलार्थे पुरुषम ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत ग्रामम जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथ्वीं त्यजेत। शायद ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। जब हमें चुनना है एक पुरुष को या एक सारे कुल सारे कम्युनिटी को, इफ देर वॉज एन ऑप्शन वी वॉन्ट बोथ बट देर इज नो ऑप्शन एंड आई मस्ट एड हियर वट एवर यू डू शुड नॉट बी एट द एक्सपेंस ऑफ फंडामेंटल वैल्यूज। इफ ए मैन फॉर एग्जाम्पल इज बींग एक्सप्लॉयटेड बाई अ कम्युनिटी, then we should support the man even if he is a single person, but there is no such thing. ek aadmi is taraf hai aur pura full community dusri taraf hai aur koi kisi ke shoshan yahan inke beech nahi kar rahe hain, koi teesre party humko akraman kar raha hai, and that third party given the choice will kill the man or kill the whole community, then the wisdom lies in letting go of the lesser loss. Ek aadmi chale jaye yadyapi wo dukh ki baat hai lekin sare community ko bachaye aur sare gaon ke liye ek family ko hum chhod sakte hain aur sare desh ke liye gaon ko bhi hum tyag kar sakte hain aur ant mein ye kehte hain आत्मार्थे पृथ्वीं त्यजेत। यहां आत्मा कोई सेल्फिश अर्थ में ईगो नहीं, आत्मा मतलब आध्यात्मिक, अपने गहराई में अपने उद्धार के लिए, आत्मोद्धार के लिए पृथ्वीं अपि त्यजेत कहा। और उसी के अगले श्लोक भी बहुत प्रसिद्ध है, आप में से कोई कोई इसको सुना भी होगा। आपदर्थे धनम रक्षेत दारान रक्षेत धनैरपि आत्मानं सततं रक्षेत दारैरपि धनैरपि। ताकि हम किसी संकट में न पड़े उसलिए पैसे को रक्षा करना चाहिए, बचाना चाहिए, लेकिन पैसों को यदि हमारी पत्नी या पति खतरे में है तो उस पैसे को बचाने के जगह उसको यूज करके, पैसे को यूज करके बीवी को या पति को या परिवार को बचाना चाहिए, पैसे चले जाए। और दूसरे पंक्ति में कहते हैं आत्मानं सततम रक्षेत, घूम फिर के धर्म और मोक्ष के लिए जो आत्मा का उद्धार है उसके लिए हमें पैसे और परिवार, पति पत्नी बच्चे, इन सब को भी त्यागना पड़ सकता है कभी। सो व्हेन वी हैव ए मैच्योर एंड हायर विजन देन वी मे हैव टू लीव बिहाइंड, लाइक प्रिंस सिद्धार्थ लेफ्ट बिहाइंड हिज यंग वाइफ एंड हिज सन एंड वेंट अवे सिद्धार्थ, और ही वाज वेरी क्लियर आत्मार्थे पत्नी पुत्रं च सह अत्यजत। सो वी हैव दिस एग्जांपल्स। सो in one last slide I will throw some light on vidur niti a little more. ye shayad bahut prasiddh shlok hai, humne to kahin suna hai isko, aaj hi mujhe pata chala ki ye aur isi prakar ke char panch shlok vidur niti mein hai, wo aaj humne pata kar liya. iska sawal ye hai kiski baat sune, ye sawal kyun uthta hai? when we are managers invariably we have people to give us advice in various situations. there are external experts, internal experts in our own organization, and normally upadesh dene wale bahut mil jate hain,
और किसी किसी को उपदेश देने में इतनी खुशी होती है, वो मुफ्त देते हैं हमको, ये करो वो करो, क्योंकि कुछ गड़बड़ हो, कुछ कुछ गलत होता तो उन पर ऐसा नहीं है, खोने वाले हम होंगे, लेकिन उपदेश दे देते हैं। तो ये श्लोक बहुत अच्छी तरह कुछ हास्य के साथ कहा, सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिनः अप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः। बहुत लोग आकर आपको खुश करने कोशिश करते हैं, प्रियवादिनः जो आपको पसंद हो, और किसी न किसी प्रकार से आपको खुश करके आपसे कुछ पाने का वो प्लान करते हैं, वो उनका मकसद होता है। इसीलिए विदुर जी ओपनली सेस, सुलभाः प्रियवादिनः अप्रियस्य, एंड इमीडिएटली ही एड्स वन मोर वर्ड, पथ्यस्य। पथ्य इज व्हाट इज गुड फॉर यू, जो आपके लिए अच्छा हो लेकिन आपको सुनने में असुविधा हो सकती है, आप शायद उसको पसंद नहीं करेंगे, तो वो कुछ भी हो, विधि हो या निषेध हो, कभी आप कहीं जाना चाहते हैं और कोई कहे मत जाओ तो आपको गुस्सा आ जाए, क्यों नहीं जाओ। अभी देखिए कोरोना के समय हम सब बहुत जगह जाना चाहते हैं, हम अपने से बोलने लगते हैं, नहीं नहीं अब कंट्रोल में आ गया, अब हम घूम सकते हैं फिर सकते हैं, किसी सिनेमा थिएटर, किसी होटल, किसी रेस्टोरेंट, किसी बाग बगीचे में जा सकते हैं, सब कर सकते हैं। उस समय कोई आकर कहे आज का अखबार पढ़ा है क्या आपने, आज टीवी आपने देखा क्या, आपने आज कब ताजा खबर लिया क्या, व्हाट इज सेड, महाराष्ट्र, न केवल महाराष्ट्र, महाराष्ट्र और केरल, चेन्नई और बेंगलोर, और उत्तर भारत में भी किसी किसी जगह जरूर बड़ी संख्या में कोरोना बढ़ रही है। तो जब हम बहुत उत्सुक है कहीं जाने के लिए और कोई हमारे भला चाहते हुए कहे कि मत जाओ, तो वो अप्रिय लगता है हमको, और किसी दूसरे समय हम आलस्य के वजह से या लैक ऑफ करेज, वी डोंट हैव इनफ करेज, थोड़ा डर से कुछ कर्तव्य नहीं करना चाहते हैं, और कोई आकर हमसे कहे ये आपको करना ही पड़ेगा, ये आपका फर्ज है, इट्स योर ड्यूटी, यू मस्ट डू, इवन इफ इट इज अनप्लेजेंट, अप्रिय भी हो, उठिए करिए, तब भी हमें अप्रिय होता है, अरे हम आराम से बैठे थे ये आकर हमको उठा रहे हैं ना। तो मोर एग्जाम्पल्स आर नॉट नेसेसरी, कहने का अर्थ है अप्रियस्य तु पत्यस्य वक्ता श्रोता दुर्लभ, तो दुर्लभ बहुत मुश्किल है ऐसे मिलना। मैं इसका अगला श्लोक भी कहूंगा, यो हि धर्मम समाश्रित्य हित्वा भर्तुः प्रिया प्रिये अप्रियाणि आह पथ्यानि तेन राजा सहायवान। एक राजा को, उन दिनों में भाषा थी राजा, आजकल लीडर्स, मैनेजर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव्स, प्रिंसिपल्स, डिपार्टमेंट हेड्स, इन एनी कॉन्टेक्स्ट, आश्रमों में भी मठाधिपति, आश्रम के अध्यक्ष, सब जगह, अब हिमालय भी जाओ, वहां किसी आश्रम में जाओ, वो उस आश्रम में भी प्रबंध व्यवस्था जरूरी है। आप ऋषिकेश में कैलाश आश्रम जाओ, या हरिद्वार में किसी हरिद्वार में कनकल में साधना सदन जाओ, वाराणसी में गोदौलिया के पास दक्षिण दक्षिणामूर्ति मठ है, हमारे देश में सब जगह बहुत सारे आश्रम पवित्र स्थल है, आप आके एक हफ्ता रहो, 10 दिन रहो, सब कुछ अच्छा दिखता है, आप 15 दिन रहो, 20 दिन रहो, धीरे धीरे से आपको पता चलता है यहाँ भी बहुत सारी चुनौतियां है, यहाँ भी समस्याएं हैं, ये आश्रम चलाना आसान नहीं है। तो वहां हमें चाहिए ऐसे हित वचन बोलने वाले, जैसे दूसरा श्लोक ने कहा, इनफैक्ट द फर्स्ट क्वार्टर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, धर्मम समाश्रित्य, क्या ये सुनना पसंद करेंगे वो बात जरूरी महत्वपूर्ण नहीं है,
क्या धर्म है, क्या सही है, वर्तु हो उस प्रभु को या उस अधिकारी या उस हेड ऑफ डिपार्टमेंट को प्रिय हो अप्रिय हो, दैट इज अ डिफरेंट इश्यू। जो धर्म के साथ जुड़ा हो वो को जो वो यदि कोई कहे वही राजनः सहायवान, वो उसके लिए बहुत अच्छा मदद दे सकेगा। इस प्रकार हम कुछ चुने हुए श्लोकों को आपके सामने प्रस्तुत किए हैं और बिलीव मी जैसे मैं इनको चुन रहा था सैकड़ों ऐसे श्लोक मुझे मिले और एक एक लेकर मैं खुद ही इतना प्रभावित हुआ। और ये विदुर नीति तो बहुत ही सुंदर है। कभी कभी हम हमारे जैसे लोग सोचते थे कि गीता और उपनिषद पर्याप्त है। हाँ, एक दृष्टि से गीता और उपनिषद में सब कुछ है, लेकिन वो नजर नहीं आते हैं विदुर नीति में, चाणक्य नीति में, शुक्र नीति में और तरह तरह के अन्य वाल्मीकि रामायण में, बहुत सारे जगह महाभारत के दूसरे जगह भी जब हम पढ़ते हैं इतने क्लियर स्पष्ट रूप से हमारे असल के जीवन के परिस्थितियां ऑल कॉन्फ्लिक्ट्स के ऊपर प्रकाश हमें मिलता है विषय। वाह, ये तो मेरे लिए ही कहा गया है। तो इस प्रकार आई शेयर विद यू माय जॉय इन स्टडिंग विदुर नीति एंड आई होप दैट ऑल ऑफ यू विल स्टडी द होल विदुर नीति। थोड़ा समय निकाल के आप पढ़िए पूरी विदुर नीति, आप बहुत ही लाभान्वित होंगे इन योर प्रोफेशन एंड एट योर फैमिली लेवल आल्सो। ये कहकर मैं ये दो बातें समाप्त करता हूँ। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद स्वामी नाम, बहु महत्वपूर्ण उद्बोधनेन अस्मान् सर्वान् सनाथीकृतवन्तः आचार्यः। अस्माकं प्रायः अहं चिन्तयामि समेषामपि उत्कण्ठा जागरिता स्यात्, वयं विदुरनीतिम् अद्यैव पठामः पश्यामः च, तथा स्वामिनां उद्बोधनं प्रेरणं च इति अस्मिन् अवसरे स्वामिभ्यः वयम् अस्मद् विश्वविद्यालयपक्षतः, अस्माकं कार्यशालापक्षतः, केन्द्रपक्षतः, अस्माकं केन्द्रस्य केन्द्रस्य अध्यक्षायाः पक्षतः, अस्माकं विभागपक्षतः भूयो भूयः धन्यवादवचांसि।